चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सोनीपत में अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई कार। तो सोनीपत की ये बड़ी खबर है जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, युवक की मौत हुई ऐसा बताया जा रहा है। दूसरे युवक की तलाश फिलहाल की जा रही है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है जहां पर कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, एक युवक की मौत हुई है, एक तैरकर बाहर निकल गया, जबकि दूसरे व्यक्ति का सुराग नहीं है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है, कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, एक युवक की मौत बताई जा रही है और एक तैरकर बाहर निकल गया ऐसा बताया जा रहा है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, एक युवक की मौत हुई इस पूरे हादसे में, एक तैरकर बाहर निकल गया ऐसा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता लाजपत, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले तो कब की यह घटना है, कितने लोग कार में सवार थे और क्या कुछ इस पर पुलिस कह रही है, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए रात्रि, ये बीती रात की घटना है, काफी दुख। शादी से वापस लौट रहे युवक जो थे गाड़ी में थे और अचानक से जो गाड़ी नहर में कूदी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक जो है वो तैर कर निकला और जो बाकी कुछ लोग जो बच्चे थे उनको चोट भी आई है, पीजीआई रेफर भी किया गया है। तो ऐसे में लगातार अब शादियों का सीजन है और जब शादियों का सीजन होता है तो काफी लापरवाही दिखाई देती है। जो गाड़ियों में शराब का ऐसा भी मामला सामने आया नहीं है, पुलिस प्रशासन इसमें जांच में जुटी है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चला है वो शादी में जो सेवन कर लेते हैं, जो शराब का सेवन कर लेते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे हैं, जो लापरवाह बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें हम कोई ऐसी बात कह पाए, लेकिन अभी जो पुलिस उसमें अंदाजा लगा रही है, पुलिस जांच कर रही है आखिर हादसा किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहा, क्योंकि जो गाड़ी है वो नहर में डूबी और जिसमें एक युवक की मौत हुई और एक ने अपनी जान जो है वो बचाई, जो तैर कर निकल पाया, लेकिन जो जो और बच्चे हैं जिनको मामूली चोटें थी वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बीती रात की घटना है, ये नहर है, वहां पर उस नहर में ये गाड़ी कूदी थी। ठीक है लाजपत, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस युवक की मौत हुई है, क्या उसकी डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है या उसे ही रेस्क्यू किया जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए एक की डेड बॉडी को जो है वो सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो दूसरी जो बच्चे की जिसकी तलाश जारी है और भी इसमें जो बच्चे थे उनकी भी पूछताछ जारी है। जो बच्चा जो सहमा हुआ है, जो तैर कर निकला था, उससे भी अभी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है आखिर इसमें कितने बच्चे थे या किस तरीके से हादसा हुआ या क्या कारण था, कैसे कहाँ से क्या था, सब चीजों पर जो है टीम बना दी गई है और उसमें जांच में जो पुलिस जुटी हुई है जी रात्रि। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर शादी समारोह में ये लोग शामिल होने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। एक डेड बॉडी बरामद कर ली गई है जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक युवक जो तैर कर बाहर निकला उससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि कार में 3 से ज्यादा लोग सवार थे, कुछ लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ऐसे में अभी जांच चल रही है, पुलिस के बयान के बाद, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल रेस्क्यू भी किया जा रहा है क्योंकि एक युवक लापता है। तो सोनीपत का यह पूरा मामला है, एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक की मौत हुई है जिसकी डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है और उसे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एक युवक तैरकर बाहर निकला उससे पूछताछ की जा रही है, एक युवक के और भी डूबे होने की आशंका है जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। टीम का गठन किया गया है और तलाश जारी है। सोनीपत से यह बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद दुखद यह हादसा देखने को मिला है और इस हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, एक युवक की मौत हुई है।